देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है, वो यात्रा है। उत्तम और अधम या इस तरह के जो विभाजन हैं इनको अगर हम देखेंगे तो ये समाज के लिए मूल्य रखते हैं, इनका सामाजिक उपयोग है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति इस बात के से अपना आसक्ति भाव जोड़ता है कि मैंने कितने अपराध किए हैं, अगर जेलों में जाएं जो अपराधी बंद होते हैं तो उनके अपने बंधन हैं और उनके अपने गौरवगान हैं कि तुमने 3 क्राइम किए, मैंने तो 17 किए, तुमने 2 मर्डर, बस मैंने तो 10 किए, तो उनका अपना गौरव है और वो उनका अपना पास है, उनका अपना बंध है। तो इससे समाज अलग ढंग से पीड़ित होगा और समाज की जो संरचना है वो उन लोगों के लिए दंड या जो है प्राविधान वो करेगी, वो उनका एक अलग ढंग है। और दूसरे लोग वो हो सकते हैं जो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं समाज की दृष्टि में, उनके अपने बंधन हो सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, या आध्यात्मिक होने का ही बंधन हो सकता है। सामाजिक रूप से इन दोनों में भेद है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बंधन मात्र में कोई भेद नहीं है, पास में आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जब हम गहरे में जाएंगे तो पास की प्रवृत्ति वही है और उत्तम और अधम के एक दूसरे में बदलने में कोई देर नहीं लगती। कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोग बहुत ही अच्छे काम करते करते बड़े विनाशकारी हो जाते, और अगर मनुष्यता का इतिहास पलटेंगे तो धर्म के नाम पर ही कितना खून बहाया गया, और वो सब अच्छे कामों के लिए ही कर रहे थे। उनको लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ ये कल्याण के लिए है। और विकास क्रम है, सभ्यता में भी देखें तो ज्ञान का और बोध का, इनलाइटनमेंट अवेकनिंग का भी एक विकास क्रम है। पीछे जाएंगे तो विचारों का विभाजन बड़ा ही स्पष्ट है। स्पष्ट का अर्थ है कि तुम मेरी बात से सहमत हो, तुम्हारा स्वागत है, तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो तुम मारे जा सकते हो। देवताओं को, अवतारों को हम बात बात पर वध करते हुए, बात बात पर हिंसा करते हुए देख सकते हैं। प्रॉफिट्स को बहुत सारे पूरे विश्व में देख सकते हैं, केवल भारत में ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक धर्म एक मान्यता है, उस मान्यता से अगर आप नहीं इत्तेफाक रखते हैं तो आपको रास्ते से हटाया जा सकता है। अब ये मनुष्य की चेतना के विकास क्रम का एक पड़ाव, मैं कहूँगा गलत सही कुछ भी नहीं है, वो पड़ाव है। फिर धीरे धीरे जब विकास क्रम आगे बढ़ा तो हम लोगों के विचारों और उनकी असहमतियों के प्रति भी सहिष्णु हो पाते हैं, टॉलरेंट हो पाते हैं। आप मेरी बात नहीं मानते, मैं मानता हूँ कि ये बड़ा उत्तम विचार है मेरा जो मैं कर रहा हूँ, आप नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, हम वार्तालाप कर सकते हैं, आपको अपनी बात में कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते तो छोड़ा जा सकता है, आप अपना रास्ता चुनेंगे, हम अपना रास्ता चुनेंगे, लेकिन हिंसा नहीं आएगी बीच में। तो उत्तम में जब होश जुड़ जाता है तो पास ढीला पड़ता है, फिर वो पास से व्यक्ति धीरे धीरे आगे हटता है, मुक्ति की तरफ तभी बढ़ता है। अन्यथा क्या है कि अगर एक व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर रहा है और वो एक विशेष प्रकार के काम को अच्छा मानता है तो वो दूसरे लोगों को बुरा मानने लग जाएगा और एक संघर्ष पैदा होगा। वो अंतर्दृष्टि का अभाव भी हो सकता है, उस अंतर्दृष्टि को समझना पड़ेगा। अभी ऐसा हुआ, एक उदाहरण बताता हूँ मैं, अच्छी चीज़ों के भी कैसे दुष्परिणाम होते हैं। एक या दो डिकेट पहले की, दशक पहले की बात है, चीन में उन लोगों ने देखा कि कुछ पक्षी थे एक दो प्रकार के, वो आते थे और फसल नष्ट कर डालते थे। तो स्वाभाविक है, इनको अधम पक्षी ही कहेंगे कि हम तो अनाज उगा रहे हैं फसल, और दुष्ट पक्षी आके उसको नष्ट कर डालते हैं।
तो जो शुभचिंतक समाज सुधारक और वैज्ञानिक थे उन्होंने मिलकर ये तय किया कि ये अच्छा नहीं है और इन पक्षियों को नष्ट कर दिया जाए। फिर उन्होंने उपाय निकाले और कुछ सालों के प्रयास के बाद उन्होंने सारे पक्षी मार डाले, खत्म हो गए उस इलाके से। लेकिन एक अजीब हैरान करने वाली चीज़ हुई, चार पाँच साल में फसलें और ख़राब होने लगीं बिना किसी बात के, ज़मीनें बंजर होने लगीं। तो फिर से इस पर चिंतन मनन हुआ और इकोलॉजिकल जो इंसाइट थी वो तब समझ में आई उनके, कि उस फूड चेन में वो जो फसल की श्रृंखला है उसमें वो पक्षी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। भले ही वो अधम जान पड़ रहे हैं, उनके होने से भी कोई एक श्रृंखला है, चेन है प्रकृति की जो पूरी हो रही थी, और उनके ना होने से प्रकृति का असंतुलन हो गया। तो फिर से उनका ये हुआ कि पक्षियों को वापस लाया जाए, जिन इलाकों में हैं वहाँ से लाकर उनको पाला जाए, फिर से व्यवस्था कायम हो गई। तो सीधे सीधे हम कहाँ देख पाते हैं कि क्या है, पास यही है अंतर्दृष्टि। इस पर एक बात और बताना चाहूँगा, खलील जिब्रान की एक कहानी, वो भी बड़ी रोचक है इसी को लेकर। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो बहुत धार्मिक व्यक्ति था वो कहीं जा रहा था, पादरी था वहाँ का धर्म गुरु, तो उस धर्म गुरु ने कहीं से कराहने की आवाज़ सुनी किसी की। स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा हुई कि इसको बचाया जाए। वो गया, देखा एक कुएं से कराहने की आवाज़ आ रही है, उसने रस्सी डाली, निकाला। जब निकाला तो एक घायल लहूलुहान मरने की अवस्था में व्यक्ति, शकल पहचानी उसने तो देखा है तो शैतान। अब निकालने के बाद उसको पछतावा भी हुआ कि शैतान को मैं बचा रहा हूँ, इसको तो मरने देना चाहिए। तो धर्मगुरु ने कहा कि निकाल तो लिया तुमको, लेकिन तुम मरने वाले हो और अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूँगा, बेहतर है कि तुम मर जाओ, क्योंकि इसी का तो हम प्रयास कर रहे हैं इतने समय से। तो कहते हैं शैतान मुस्कुराया, उसने कहा नहीं, सोचो तुम मुझे मरने नहीं दे सकते, अगर मैं मर गया तो अगला नंबर तुम्हारा, मेरी वजह से तुम जिंदा हो, मैं हूँ तो तुम हो। तो धर्मगुरु ने सोचा और बात उसकी समझ में आई कि सारा कार्य व्यापार तो इसी के ऊपर खड़ा है। तो उसने कहा तुम तो मेरे भाई हो, तुमको बचाना मेरा धर्म है। और कहते हैं उसको कंधे पर बिठा कर वो ले गया। छोटी सी कहानी। तो ये चीज़ें ऐसे उलझी हुई हैं संसार में।